उस्मान ने इतना रिटर्न स्टेशन रेडा था बलोवर है और मैंने उतना सलाहुद्दीन स्टेशन पर। तो अभी हमें टाइम लग जाना है, 10 से 12 मिनट लग जाने हैं, क्योंकि रश है, इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार वो देखे आप, ये इसमें ट्रेन में होता कि नहीं। अच्छा जी, तो उस्मान भी आ गया, तो हम जा रहे हैं छेती छेती। आपकी जो इंटरेस्ट है वो मैं, अगर आपकी अपनी इंटरेस्ट नहीं है, आप एक ट्रेंड देख रहे हैं और उस ट्रेंड को फॉलो करके आप एक काम की तरफ आ गए हैं, तो आप ज्यादा देर तक वो काम नहीं। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं ओरियन ट्रेन स्टेशन, सलाहुद्दीन स्टेशन पे। वहाँ पे हमें हमारा दोस्त उस्मान जाकिर आएगा, हमारे लिए वेट करेगा या हम उसके लिए वेट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर स्टेशन की तरफ, स्टेशन ऊपर की तरफ है। अभी हमने टोकन ले लिया, हमने जाना है इस तरफ GPO स्टेशन, तो वो ट्रेन इधर से आएगी। अभी वो ट्रेन नहीं आई तो हम उसका वेट कर लेते हैं, अभी तक उस्मान भी नहीं पहुँचा। उस्मान ने अपने हॉस्टल से आना था, उसे काफ़ी टाइम हो गया है, 9 ट्रेन गुजर चुकी हैं। अभी वो कह रहा है मैं आ गया हूँ सरदार स्टेशन पे, उधर से 2-3 मिनट लगने हैं उसे। ट्रेन आ रही है, उस पर उस्मान है, वो कह रहा था मैं इसी पे हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे, ये इससे पहले 9 ट्रेन गुजर चुकी हैं, मैंने उसका वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार वो देखे आप, ये इसमें ट्रेन में होता कि नहीं। अच्छा जी, तो उस्मान भी आ गया, तो हम जा रहे हैं छेती छेती। तो वारे होना शुरू हो, मैं अगर आसान जुबान में कहूँ, अगर मेरी इंटरेस्ट ना होती तो कभी भी अभी तक इस पर काम ना कर रहा होगा, काम करता ना रहता। आपकी अपनी जो इंटरेस्ट है वो मैं, अगर आपकी अपनी इंटरेस्ट नहीं है, आप एक ट्रेंड देख रहे हैं और उस ट्रेंड को फॉलो करके आप एक काम की तरफ आ गए हैं, तो आप ज़्यादा देर तक वो काम नहीं कर सकते। देर काम करने के लिए, बहुत सा काम करने के लिए और कमाल काम करने के लिए सबसे बुनियादी चीज आपकी इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है आप काम नहीं। एक बड़ी शानदार किताब है 0 to 1। वो 0 to 1 का फलसफा ये है कि दुनिया में ज्यादा कमाल के काम और इम्पैक्टफुल काम उन लोगों ने किए जिन्होंने कुछ हटके किए। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कॉन्टेंट अगर देखा जाए तो इलाही किताब कॉन्टेंट है जो वही की शक्ल में नाजिल है। इस्लाम का सारा कंटेंट जो है वो सबसे पावरफुल है। आपको बता दूं, हमारा ब्रेन क्रिएटिविटी सिर्फ उस वक्त लगता है या सोने से नींद आने से आधा पौना घंटा पहले या जागने के एक घंटे तक। क्रिएटर्स आर चेंज मेकर के हम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? वो भाई साहब कासिम अली शाह साहब से जो हाथ भी मिला लेते हैं, वो तो चाहता है कि मैं दूसरों से प्यार करना सीखूं, दूसरों से मोहब्बत करना सीखूं, उसके मसले मसाइल हल करना सीखूं, उसके लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर दूं, जुबान से मीठा बोलना शुरू कर दूं। तो जब इन सारी चीजें आप अपना लेते हैं तो फिर आप अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करनी शुरू कर देते हैं, आप अपने अदारों के लिए बेहतर हो जाते हैं, आप पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और पायदार पाकिस्तान बनाने में भी आप अपना मसलक किरदार अदा करते हैं। खैर, इस बात को समझाने में मेरे तकरीबन 5 साल आए। 5 साल वो साल थे जो गुमनामी के थे। जैसे ही कहीं को नाम आना शुरू हुआ तो मेरे वाले साहब ने कहा यार काम ठीक ही रद्द कर रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सफर है, ये गैप है आपका अपने वालदैन के साथ या अपने बड़ों के साथ, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक। और आपका दिल कह रहा है कि नहीं, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। वेलकम बैक दोस्तों, तो उस्मान हमें मिल गया था, हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो
तो अभी हमने जाना था लक्ष्मी चौक स्टेशन, मगर उधर से हम आ रहे हैं जीपीओ स्टेशन। तो ये पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे है जीपीओ स्टेशन, जीपीओ स्टेशन से हम बैठेंगे। इवेंट बहुत अच्छा रहा, अच्छे अच्छे गेस्ट थे, उन्होंने सुनने का पहली दफ़ा लाइव मौका मिला, ये भी हमारे लिए अच्छा था। उस्मान आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। क्या बहुत अच्छा लगा? सेमिनार। तो अभी हम जीपीओ पर पहुँच चुके हैं, स्टेशन करीब ही हमारे। जीपीओ स्टेशन से बैठ गए और ट्रेन पे, तो अभी हम जा रहे हैं उस्मान ने घूमना अलीगढ़ स्टेशन। रेड्डा तो बलोवर है, और मैंने उतरना है सलाहुद्दीन स्टेशन पे। तो अभी हमें टाइम लग जाना है, 10 से 12 मिनट लग जाने हैं, क्योंकि रश है। आगे स्टेशन आ रहा है, कौन सा स्टेशन आ रहा है? सलाहुद्दीन स्टेशन आ रहा है, उधर मैंने उतर जाना है। उस्मान ने आगे जाना है अली टाउन स्टेशन। तो उस्मान से हम इधर से इजाज़त ले लेंगे। उस्मान, हाफिज़, मिलते हैं आपको फिर कभी। एक ब्रेक के रहे तो